सत श्री अकाल जी सारियां नूं स्वागत करती हाँ। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज दे इस वीडियो दे विच असीं पंजाबी एलिजिबिलिटी टैसट दे लई कुछ इंपोर्टेंट MCQ दा पार्ट 3 करांगे। जिमें कि तुहानूं पता है पार्ट 1 दे विच असीं श्री गुरु नानक देव जी दे नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट MCQ कीते सी। पार्ट 2 दे विच असीं श्री गुरु अंगद देव जी दे नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट MCQ कवर कीते सी। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ A ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ A ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਕਰਾਂਗੇ। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही असी तुहाडा पेपर ए की पूरी तैयारी करवा देवांगे क्योंकि पेपर ए तुहाडे लई पेपर बी तो भी ज़्यादा इंपोर्टेंट आ। जे पेपर ए चो तुसी 50% नंबर लौंगे फिर ही पेपर बी आ जिहड़ा उह तुहाडा क्वालीफाई मन्निया जाएगा। ठीक है जी, तां पंजाब दे जेकर तुसी पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो नूं भुल के भी ना छड़ना। जिहड़े स्टूडेंट सिलेबस देखना चाहते हैं तो देख सकते हो, मैं तुहाडे सामने ओपन कर दिता है। इस दे विचों तुहाडा पेपर आ जिहड़ा वो लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी इह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। पर MCQ शुरू करन तो पहला जिमें कि मैं तुहानू नोट करवानी हुन्नी आ 10 एक्सट्रा फैक्ट जो तुसी नोट कर लेने आ तां जो तुसी इस वीडियो नू एज अ टेस्ट मानते हुए आप अटैम्प्ट करो। ठीक है, सब तो पहला असी गल कर रहे हैं श्री गुरु रामदास जी दी। श्री गुरु रामदास जी 24 इन्हां दा जन्म होया सी 24 सितंबर 1534 नू चूना मंडी लाहौर दे विच। इन्हां दे माता दा नाम आ माता दया कौर, इन्हां दे पिता दा नाम आ पिता हरिदास जी, इन्हां दी पत्नी दा नाम आ बीबी भानी, इन्हां दे पुत्रां दे नाम आ प्रीथी चंद, महादेव अते अर्जन देव, जाने के गुरु अर्जन देव जी जिहड़े साडे पंजवें गुरु बने सी। ठीक है, ते इन्हां दा गुरगद्दी समां है 1574 तो 1581, जाने के 7 साल ये अपनी गुरगद्दी ते रहे आ। ठीक है जी, ते इन्हां ने मसंद प्रथा आरंभ कीती सी ते इन्हां दे विशेष चेले सीगे जो उह बने सी भाई गुरदास जी। ते इन्हां ने 30 वख-वख रागां दे विच 638 मंत्रां दी रचना कीती, लावां दी रचना कीती, घोड़ियां दी रचना कीती। इन्हां ने अमृतसर नाम दा शहर बसाया सी। ठीक है जी, इन्हां दे समें मुगल बादशाह सी अकबर, इन्हां ने अपने उत्तराधिकारी बनाए सी अपने तीजे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी। ते इन्हां दा ज्योति जोत समावां गोयंदवाल विखे 1581। ठीक है, तो हुण असीं अपने जिहड़ी अज दी वीडियो स्टार्ट करदे आ। वीडियो नूं जरूर एज अ टेस्ट मन के ही अटैम्प्ट करना। हर एक MCQ नूं इस दे आंसर नूं सोचण दे लई मैं तुहानूं समां दवांगी। ठीक है जी, सिखां दे चौथे गुरु कौन सन? हाँ जी, सिखां दे चौथे गुरु सन श्री गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। श्री गुरु रामदास जी सिखां दे चौथे गुरु सन। ठीक है जी, ते इन्हां दा पुराना नाम सी भाई जेठा जी। अगला प्रश्न, गुरु रामदास जी दा जन्म कित्थे होया सी? हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी का जन्म कित्थे होया सी मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुकी हाँ। जिहड़े स्टूडेंट्स नोट कर रहे ने गुरुआं दे नाल रिलेटिड उन्हां दे जन्म स्थान तां ओह आसानी दे नाल देख सकदे ने। ठीक है, श्री गुरु रामदास जी का जन्म चूना मंडी लाहौर विच होया सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, गुरु रामदास जी दे पिता जी दा की नाम सी? हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी दे पिता दा नाम मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुकी हाँ। की नाम सी श्री गुरु रामदास जी दे पिता दा नाम? तो इन्हां दे पिता दा नाम सी भाई हरिदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हरिदास सी इन्हां दे पिता दा नाम। अगला प्रश्न है जी, गुरु रामदास जी दा बचपन दा नाम की सी? हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी दा बचपन दा नाम मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुकी हाँ, भाई जेठा जी सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, भाई जेठा जी। अगला प्रश्न है जी, शब्द जेठा दा अर्थ की है? हाँ जी, अर्थ हुण जेठा शब्द आ जिहड़ा, जिवें भाई जेठा जी सी इन्हां दा नाम। ठीक है, जेठा दा अर्थ की हुंदा?
जेठा तुहानू पता होगा, ठीक है। जेठा का अर्थ की हुंदा, पहली संतान नू असी जेठा बोलते हैं, ठीक है, जां कह दिंदे जेठा मुंडा जां जेठी कुड़ी है, जिहड़ा पहला बच्चा हुंदा उहनू असी जेठा बोल दिंदे हां, ठीक है जी। अगला प्रश्न असी करते हैं, हाँ जी, अगले प्रश्न दे विच उन्होंने पूछिया मसंद प्रणाली की शुरुआत किसने की सी। हाँ जी, मसंद प्रणाली की जिहड़ी शुरुआत आ, मसंद प्रणाली इन्होंने चलाई सी श्री गुरु रामदास जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो मसंद प्रणाली है जिहड़ी, इसनों अगे जा के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खत्म कर दिता सी, ठीक है, ये भी तुसी याद रखना। अगला प्रश्न, मसंद प्रणाली शुरू करन दा मुख उद्देश की सी। हाँ जी, मसंद प्रणाली शुरू करन दा मुख उद्देश सी, की सी मुख उद्देश मसंद प्रणाली शुरू करन दा? सरोवर अते पंगत लई पैसे इकट्ठे करना, ठीक है, सरोवर अते पंगत दे लई पैसे इकट्ठे करना मसंद प्रणाली दा मुख उद्देश सी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, गुरु रामदास जी की माता का नाम की सी। हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी की माता का नाम की सी। मैं तुहानू जिवें दस्सिया सी कि श्री गुरु रामदास जी की माता का नाम दया कौर है, ठीक है, कई बुक्स के विच तुहानू दया कौर मिलेगा, पर कई बुक्स के विच तुहानू कि नाम मिलेगा श्री गुरु रामदास जी की माता का नाम, माता अनूप देवी, ठीक है, इस गल का ध्यान रखना। हरेक राइटर दे आपां कह सकते हैं अलग अलग इशूज़ रहे आ, एक तो इन्हां दे मेन सन डेट दे नाल रिलेटेड, जिवें आपां कह दिंदे आ बर्थ डेट ऑफ बर्थ दे नाल रिलेटेड, जिवें मंथ दे विच इन्हां दे इशू रहे आ, ठीक है, तो एक माता दे नाल रिलेटेड, हरेक गुरु साहिबान दी माता दे नाल रिलेटेड अलग अलग नाम लिखे आ हरेक राइटर दे, ठीक है, अलग अलग राइटर ने आपां कह सकते हैं। तो हुण अगला प्रश्न आ, मसंद शब्द का की अर्थ है। मसंद प्रथा जिहड़ी कि जिसका काम सीगा सरोवरां लई पैसे इकट्ठे करना, ठीक है, मसंद शब्द का वो अर्थ की सी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन्मान का पद। सन्मान का पद मसंद पद का अर्थ सी, ठीक है। अगला प्रश्न, मसंद प्रणाली किस गुरु के अधीन विकसित की गई सी। हाँ जी, मसंद प्रणाली है जिहड़ी वो किस गुरु के अधीन विकसित की गई सी, तो इसका राइट आंसर है श्री गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, श्री गुरु अर्जन देव जी के अधीन विकसित की गई सी, पर शुरू की सी श्री गुरु रामदास जी ने, इस गल का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जी, किहड़े गुरु ने मसंद प्रणाली नू खत्म कर दिता सी। मैं तुहानू ऑलरेडी ही दस दिता है कि मसंद प्रणाली नू शुरू किया सी श्री गुरु रामदास जी ने, विकसित किया सी श्री गुरु अर्जन देव जी ने, खत्म किया सी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी, इस गल का तुसी ध्यान रखना। अगला प्रश्न असी करते हैं, मसंद शब्द किस भाषा तो लिया गया है। हाँ जी, जिहड़ा मसंद शब्द आ इह किहड़ी भाषा तो लिया गया, अरबी तो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, उदासी संपर्दा की स्थापना किसने की सी। हाँ जी, उदासी संपर्दा की स्थापना मां जिहड़ी इह की सी, बाबा श्री चंद ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, उदासी संपर्दा किस गुरु के समय स्थापित हुई सी। हाँ जी, उदासी संपर्दा किस गुरु के समय स्थापित हुई सी, समाप्त किन्ना दे समय हुई सी, श्री गुरु अंगद देव जी के समय। देखो घुमा फिरा के पूछा गया ना, शुरू कदों हुई सी, श्री गुरु नानक देव जी तो शुरू हुई सी, ते उदासी संपर्दा खत्म हुई सी श्री गुरु अंगद देव जी के समय। अगला प्रश्न है जी, श्री गुरु रामदास जी की गुरगद्दी का समा की सी। हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी की गुरगद्दी का समा सी, देख सकते हो तुसी बाकी ऑप्शन भी, इन्हां दी गुरगद्दी का समा सी 1574 तो 1581। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्री गुरु रामदास जी दे पुत्रां दा नाम की सी। हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी दे तीन पुत्र सी, श्री गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, ये भी इन्हां दे पुत्रां दा नाम है, श्री गुरु अर्जन देव जी इन्हां दे तीजे पुत्र सी, महादेव इन्हां दे दूजे पुत्र सी, प्रिथिया इन्हां दे तीजे पुत्र सी। तो ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर है जी, डी, कि उपरोक्त सारे ही, ठीक है जी। अगला प्रश्न, श्री गुरु रामदास जी दे समकाली मुगल शासक कौन सी। हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी दे समकाली मुगल शासक सन कौन सन, अकबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। श्री गुरु अमरदास जी समय भी अकबर ही सी, ते श्री गुरु रामदास जी दे समय भी अकबर सी मुगल शासक, ये तुसी याद रखना। अगला प्रश्न,
ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਅਕਬਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੁਣ, ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਵਾਂ ਚਾਰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ ਉਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਵੋਗੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर लई किसने जमीन दान कीती सी। हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाउण दे लई किसने जमीन दान कीती सी, तां इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर श्री गुरु रामदास जी दे जिहड़े अकबर जदों श्री गुरु रामदास जी नूं मिलन आया सी तां उन्हां ने कहा सी कि पहला लंगर छको उस तो बाद मैनू मिलियो। ठीक है, तो इस गल तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होया सी अकबर, इस गल का ध्यान रखना तुसीं, तो इस गल तो ही प्रभावित हो के खुश हो के उन्हें जमीन दान कीती सी। अगला प्रश्न, सिख धर्म के विकास विच गुरु रामदास जी का सब तो महत्वपूर्ण कार्ज केड़ा सी। हाँ जी, सिख धर्म के विकास के विच श्री गुरु रामदास जी का जेकर असी महत्वपूर्ण कार्ज देखिए कम देखिए तो वह सीगा रामदासपुर की बुनियाद जां कह सकते हैं अमृतसर शहर की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, श्री गुरु रामदास जी का उत्तराधिकारी कौन सी। हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी के उत्तराधिकारी बने सी सिखां दे पंजवें गुरु बने सी श्री गुरु अर्जन देव जी, जिहड़े कि इन्हां दे तीजे पुत्र सन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ते सिख धर्म दे विच अपने वंश नूं गुरगद्दी संभालन दा कार्ज किन्हां ने शुरू कीता सी, श्री गुरु रामदास जी ने कीता सी। ठीक है, ये भी तुसीं ध्यान च रखना। अगला प्रश्न, केड़ा स्थान सिखां दा मक्का वजों जाणिया जांदा। जिहड़े स्टूडेंट्स ने फॉरैसट गार्ड का एग्जाम दिता तो उन्होंने पता होना ही सम ये अपना जिहड़ा MCQ आ एग्जाम दे विच आया फॉरैसट गार्ड दे विच। ठीक है, सिखां दे मक्के वजों जाणिया जांदा है जी अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अमृतसर सिखां दे मक्के वजों जाणिया जांदा। अगला प्रश्न है जी, इन्हां विच्चों केड़ा गुरु की नगरी वजों जाणिया जांदा है। हाँ जी, इन्हां दे विच्चों केड़ा स्थान आ जिहड़ा गुरु की नगरी वजों जाणिया जांदा, तां गुरु की नगरी भी अमृतसर नूं ही कहा जांदा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, केड़े शहर नूं सिखां दी धार्मिक राजधानी मन्निया जांदा है। हाँ जी, मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ सिखां दी धार्मिक राजधानी आ कि अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, श्री गुरु रामदास जी दियां किन्नियां बाणियां आदि ग्रंथ विच दर्ज हन। हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी दियां किन्नियां बाणियां आदि ग्रंथ विच दर्ज आ 679। सब तो घट किन्ना दियां, श्री गुरु अंगद देव जी दियां, क्योंकि श्री गुरु अंगद देव जी दियां सिर्फ 62 बाणियां दर्ज आ गुरु ग्रंथ साहिब जी विच। ठीक है, इस गल का ध्यान रख, नाल दी नाल नोट करते जाया करो। अगला प्रश्न, हरिमंदर साहिब शब्द का की अर्थ है। हाँ जी, हरिमंदर साहिब शब्द का अर्थ है रब का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरिमंदर साहिब का नींह पत्थर किसने रखिया सी। हाँ जी, हरिमंदर साहिब का जिहड़ा नींह पत्थर हरिमंदर साहिब का नींह पत्थर किसने रखिया सी। हाँ जी, हरिमंदर साहिब की स्थापना की सी श्री गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है, 1599 ईस्वी के हरिमंदर साहिब का नींह पत्थर रखने लई उन्होंने सूफी संत मियाँ मीर जी को सद्दा भेजा सी, तां हरिमंदर साहिब का जिहड़ा नींह पत्थर आ रखिया सी किन्ना ने रखिया सी, सूफी संत मियाँ मीर जी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ए MCQ जिहड़े स्टूडेंट्स ने पटवारी का पेपर दिता पंजाब पटवारी का उस दे विच आ चुकिया कि हरिमंदर साहिब का नींह पत्थर किसने रखिया सी, सूफी संत मियाँ मीर जी ने रखिया सी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न असी करते हैं जी, हरिमंदर साहिब के पहले ग्रंथी कौन सन। हाँ जी, हरिमंदर साहिब जिमें कि तुहानू पता है हरिमंदर साहिब की स्थापना श्री गुरु अर्जन देव जी ने की सी। ठीक है, तो हरिमंदर साहिब की स्थापना श्री गुरु अर्जन देव जी ने की सी। इस तो इलावा श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी स्थापना की सी, तुहानू पता होगा। ठीक है, तो उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना जिहड़ा संकलन आ वह पूरा करवाया 1604 ईस्वी के तो उस समय जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला आप कह सकते हैं पहली पोथी सी जो पहला तैयार किया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वह हरिमंदर साहिब के रखाया सी, उस दे पहले ग्रंथी बनाए सी
बाबा बुढ़ा जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाबा बुढ़ा जी ने पहले छे गुरुआं दे गुरगद्दी दी तिलक दी रसम भी कीती सी। इस गल दा तुसी ध्यान रखना, ठीक है। पहले छे गुरुआं दे गुरगद्दी दी तिलक दी रसम कीती सी बाबा बुढ़ा जी ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं लिखिया किन्हां ने सी? भाई गुरदास जी ने। अगला प्रश्न आ, सूफी फकीर मियाँ मीर कित्थे दे निवासी सन? हाँ जी, सूफी कबीर जिन्हां दी आपां गल कीती आ, सूफी फकीर मियाँ मीर जां सूफी संत मियाँ मीर कित्थे दे निवासी सन? तो ये निवासी सन जी लाहौर दे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लाहौर। अगला प्रश्न आ जी, गुरु गोलक कित्थे है? हाँ जी, गुरु गोलक कित्थे आ? हरिमंदर साहिब दे विच। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जी, लामा किस द्वारा रचिया गया सी? हाँ जी, लामा की रचना किन्हां ने कीती सी? लामा की घोड़ियां की रचना कीती सी श्री गुरु रामदास जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमृतसर सरोवर का निर्माण किस दी देख रेख हेठां कीता गया सी? हाँ जी, अमृतसर सरोवर का निर्माण बाबा बुढ़ा जी की देख रेख हेठ कीता गया सी, ठीक है। अमृतसर सरोवर का निर्माण किस दी देख रेख हेठां होया सी? बाबा बुढ़ा जी की देख रेख हेठां होया सी। बाकी अमृतसर बारे आपां गल कर लैने आ, ठीक है। चलो, जिमें ही आपां गुरु अर्जन देव जी नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट MCQ करांगे, उन्हां दे नाल रिलेटिड भी मैं तुहानूं कुछ फैक्ट दसांगी, तां जो हुण मैं तुहानूं इस लई नहीं दस रही कि तुसीं पजल ना होवो, ठीक है। इन्हां नूं चंगी तरह कर लेना, अगे असीं श्री गुरु अर्जन देव जी दे नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट MCQ करांगे जो एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपोर्टेंट बन सकते हैं। हरिमंदर साहिब विच आदि ग्रंथ कदों स्थापित किया गया सी? हाँ जी, हरिमंदर साहिब दे विच आदि ग्रंथ कदों स्थापित किया गया सी? मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1604। जिवें कि तुहानूं पता है श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब जी का संकलन 1604 दे विच पूरा होया सी, तो 1604 दे विच ही स्थापित कर दिते गए सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हरिमंदर साहिब दे विच। अगला प्रश्न, हरिमंदर साहिब की मुख विशेषता की है? हाँ जी, हरिमंदर साहिब की मुख विशेषता है की आ, असी पढ़ लें, चारों दिशावां विच चार दरवाजे। ये मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्या कि चार हरिमंदर साहिब की आपां विशेष गल करिए, इस दे चार दरवाजे हैं जो ये दर्शाते हैं कि हरिमंदर साहिब सारियां लई ही खुला है, ठीक है। किसी लई कोई मतलब कि यह नहीं गा कि कोई इस दे अंदर इस धर्म वाला नहीं आ सकता, ठीक है। जां फिर कोई मुसलमान कोई हिंदू जिवें आपां कह दिंदे आ, कई कि पहलां मनाही हुंदी सीगी कि मुसलमाना दी मस्जिद दे विच असी नहीं जा सकते सी, ठीक है, जां हिंदू नहीं जा सकते सी, ते हिंदुआं दे मंदिर दे विच मुसलमान नहीं आउंदे सी, ते हरिमंदर साहिब दे चारे दरवाजे खुले सी कि ये सब दे लई बनिया वा। हाँ जी, होर इमारतां नालों नीचे ये बनवाया तां गया सी, सोने दी परत दा दान भी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि किन्हां ने कीता सी। ते राइट इहदी ऑप्शन डी आ, उपरोक्त विचों कोई नहीं, जिहड़ा कि गलत आ, ठीक है। इहदा राइट आंसर की है? जे तां इत्थे लिखिया हुंदा उपरोक्त सारे तां असीं आंसर लगाउणा सी ऑप्शन डी, उपरोक्त सारे। पर हुण उन्होंने की पुछा? मुख विशेषता, ठीक है, भी कोई एक मेन कारण दसना। इहदा मेन कारण यही सी कि चारों दिशावां विच चार दरवाजे सन, चार दरवाजों का मीनिंग सी कि ये सारिआं दे लई खुले आए, कोई भी जात धर्म वाले इत्थे आ सकदे ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी आ। कल दी वीडियो दे विच असीं श्री गुरु अर्जन देव जी दे नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट MCQ कवर करांगे। अज दी ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं जिन्ना हो सके वध तों वध शेयर जरूर कर देना। तो इस तों इलावा जिहड़े स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को हुणे सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल पर ऑन कर लवो, ता जो मेरी अगे आने वाली हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुहानू मिलती रहे। तो जिन्ना हो सके चैनल को वध तों वध शेयर जरूर करना, इस वीडियो के लिंक को वध तों वध शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।